अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले चिकन, जो कि बनाना बड़ा ही आसान है। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ये करेले एक साइड पे फ्राई होने के लिए रख लिए, कोई नमक लगा के नहीं इनको धोया, सिंपल सब्ज़ी की तरह धोना है। 3 अदर टमाटर लेने, 3 हरी मिर्चें, 1 लहसुन, थोड़ा सा अदरक का पीस, 2 प्याज हमने ये ले लिए। करेले हमारे पहले ही फ्राई हो गए हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त हुए। कोई ब्राउन नहीं करने, कोई ग्रीन नहीं रखने, दरमियान में रखने हैं बस इसी शेड में। प्याज को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया, ये देखिए इस लुक में चॉप करना है आपने। इस तरह हमने काट लिया। एक पैन में हमने ऑयल लिया, ऑयल लेने के बाद उसके अंदर प्याज डाल दिया। एक साइड पे मैंने उसी ऑयल में मैंने फ्राइज डाल दी, जो कि मैं इन करेलों में यूज़ करूँगी। बच्चों को खिलाना है तो कुछ डिफरेंट करके खिलाइए, इस तरह बच्चे भी खाएंगे करेले। प्याज में मैंने चिकन डाला, चिकन डालने के बाद अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, ताकि वो सारे मसाले आपस में मिल जाएं। मिलने के बाद मैंने एक साइड पे जो फ्राइज़ रखी हुई थी मेरी, वो फ्राइज़ भी ज़बरदस्त सी तैयार होगी। ये देखिए कितनी प्यारी उसकी लुक आई है, ये तैयार होगी। अच्छी फ्राइज़ तैयार हुई है, इसको भी हम साइड पे कर देंगे। लास्ट पे ये भी यूज़ करेंगे। नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च भर के 1 चम्मच, पिसा धनिया 1/2 चम्मच, ज़ीरा 1/2 चम्मच। इन सब मसालों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। गरम मसाला ना भी डालो क्योंकि अपना काम कर देता है। ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, 2 हरी मिर्चें ली, और ये पुदीना लाजमी एंड दम पे हमें काम देगा। पुदीने के साथ आप करेलों का दम देंगी, ज़बरदस्त खुशबू आएगी, लाजवाब। पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए चिकन का मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया, चिकन रेडी है बिल्कुल। हम इसको 2 मिनट के लिए और मज़ीद भुनेंगे दही डाल के इसको अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे कि एक जान हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट होकर हमने करेले और फ्राइज़ को इसके अंदर ऐड किया। 5 मिनट के लिए हम दम देंगे इसको। ये करेले डाले और फ्राइज़ डाले, थोड़ा सा इनको मिक्स किया कि सारी सब्ज़ी आपस में मिल जाए। ये देखिए कितने जूसी हैं, कोई ड्राई नहीं होंगे, कोई कड़वे नहीं होंगे। जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा, प्लीज़ ऐसे बना के देखिएगा। ये देखिए मैंने ऊपर धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी, दोनों को काटनी नहीं है, बस वैसे ही डाल देनी है दम की सूरत में। अब हम इसको कवर कर देंगे, 5-10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5-10 मिनट के बाद जब हमने कवर उठाया तो देखिए कैसे लाजवाब करेले तैयार हुए हैं। आप भी बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।